भाई कहाँ कहाँ लेके जा रहा है, देख सकते हो कैसा रास्ता है। ओ भाई रुक जाओ रुक जाओ, हमें दूसरा रास्ता लेके आना चाहिए था। और आज का सफ़र हमने 81 किलोमीटर कवर किया। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। अभी मॉर्निंग का 6:20 हो चुका है। पहले आप सभी को दिखाता हूँ कल हमने कहाँ पे स्टे किया था। मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये है शाम ढाबा, इसका पीछे हमने टेंट लगा लिया था। अभी आपको दिखाते हैं, सराउंडिंग देखिए काफ़ी खूबसूरत है। रात को यहीं पर ही खाना खा लिया था ढाबा में। और वहाँ पे है भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है सुबह सुबह का, इतना मस्त लग रहा है ना भाई। और यहाँ पे देखिए झूलना भी है, कल रात को खाना खाने का बाद कुछ टाइम यहाँ पे झूला झूला था। और अभी आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने टेंट लगाया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ओनर है होटल का, सो रहा है। मच्छरदानी लगा के सोने पड़ता है क्योंकि एक दो मच्छर रहता है। ये जो पहला टेंट है ये जीटू भाई का है और उसका बाद मेरा टेंट है, सामने से दिखाते चलिए। जीटू भाई शायद सो रहा है तो उठा देता हूँ जीटू भाई को भी। जीतू भाई, ओ जीतू भाई गुड मॉर्निंग, उठ जाओ। और ये रहा जीतू भाई का बाइसाइकिल। ये देखिए कुछ पेड़ है, ये पेड़ पे ना कुछ लगा हुआ है, देख सकते हो, पता नहीं क्या चीज़ का पेड़ है, मस्त चीज़ है। लेकिन भाई वहाँ पे भी लगा हुआ है, किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। ये रहा मेरा साइकिल और ये रहा मेरा टेंट। तो अभी जल्दी जल्दी टेंट को क्लोज कर लेता हूँ और चाय पी के रेडी होता हूँ, फिर निकलता हूँ उसका सफ़र में। चलिए टेंट क्लोज कर दिया हूँ। और ये जो पेड़ दिखाया था ना, ये चीकू का पेड़ है एक्चुअली, छोटा है ना मुझे पता नहीं चला, अभी जीतू भाई ने बोला था। और अभी जीतू भाई चाय पीने गया है, अभी आके टेंट क्लोज करेगा। और देखिए काला काला ये लग गया भाई, चेन में उस दिन वो लगाए थे ना ऑयल जैसा, पूरा ख़राब हो गया, हर जगह लग रहा है अभी। तो गाइस वहाँ से हो रहा है प्यारा सा सनराइज, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो फाइनली दोनों भाई का पैकिंग हो चुका है, अभी चलता हूँ। तो फाइनली अपना साइकिल का ऊपर बैठ चुका हूँ और आज का दिन का शुरुआत करता हूँ लेके महादेव का नाम, बोलो हर हर महादेव। और इस तरफ देखिए स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, चलिए चलता हूँ हम भी अपना सफ़र में। आज का जो सफ़र होने वाला है भावनगर तक होने वाला है, यहाँ से 75 किलोमीटर है, देखता हूँ कर पाता हूँ कि नहीं। चलिए आज 15 मिनट लेट हो गया, कोई नहीं आराम आराम से चलते रहेंगे। बहुत ही मस्त वेदर होकर रखा है, ठंडा ठंडा हवा और उस तरफ पवन चक्की चल रहा है। चलिए जी, और इस तरफ पूरा खेती वाला एरिया है। इस तरफ देखिए कितने सारे बाजरा का खेती करके रखा हुआ है, देख के एक अलग ही खुशी मिलता है भाई, क्योंकि मैं तो शहर से हूँ, हमारे वहाँ देखने को मिलता नहीं है और हमारे आसाम में होता नहीं है बाजरे, तो उसकी वजह से मैं तो बहुत मिस करने वाला हूँ ये सब खेती को। और ये पवन चक्की मस्त दिख रहा है भाई सुबह सुबह। और ये है स्कूल, जो बच्चे लोग आ रहे हैं ना, यही है स्कूल। स्कूल का नाम दिखाते चलिए क्या है, ये है विद्यालय, देख सकते हैं। बाकी का मुझे पढ़ने नहीं आया, गुजराती में लिखा हुआ है ना उसके वजह से। भाई क्या मस्त दिख रहा है ये देखिए बाजरे, भगुड़ा पहुंच गया, ये जगह का नाम है भगुड़ा। भाई खेती देख के लेकिन इतना मस्त लग रहा है ना सुबह सुबह का टाइम है। तो गाइस अभी ना एक मस्त वाला जगह मिल चुका है, नीचे देखिए तालाब है, पानी जमा हुआ है और वहाँ से भी रास्ता है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे चिड़िया है,
पैरट देखने को मिला, वो रहा वायर में बैठा हुआ है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और सामने वहाँ पे पहाड़ देखने को मिला, पूरा ग्रीनरी है। फ्लाईओवर का काम चल रहा है, ऊपर रास्ता भी बंद है तो नीचे से जाने पड़ेगा। नेशनल हाईवे 51। और एक्चुअली कल भी ऐसा हुआ था, सुबह सुबह जब हम साइकिल चलाता हूँ ना, सामने से हवा मिलता है हमें, कोई नहीं, आराम आराम से चलेंगे बढ़िया से। थोड़ा सा प्रेशर होता है साइकिल चलाने में, हवा जब सामने से लगता है ना। और साइकिल यहाँ पे रख दिया, सुबह चाय नहीं पिया था वहाँ पे, तो अभी यहाँ पे दुकान मिल चुका है तो बढ़िया से अभी चाय पीते चलिए। और यहाँ पे भी देखिए जो कोयला होता है ना, कोयला डाल के, रुको रुको वीडियो बना लेते, कोयला डाल के ना देखिए बनाते हैं। हाँ सही है, और हाथ से घुमाते हवा लगता है, मस्त है। बस 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 हो जाएगा बस बस। देखिए आज पहली बार ना कप में चाय पीने वाला हूँ। यहाँ पे तो ऐसे ही लोग पीते हैं, कपों में चाय पीते हैं। प्लेट प्लेट कप नहीं, ये प्लेट है। और साथ में पापड़ लिया है, पापड़ खाएगा। तो गाइस बढ़िया से चाय पी लिया हो, चलिए अभी चलता हूँ अपना सफ़र में। गाइस सामने देखिए इतना खूबसूरत सा नदी या तालाब देखने को मिला है, काफ़ी मस्त लग रहा है भाई। तालाजा वाटालिया डाठा, यहाँ पे देखिए पवन चक्की का जो पंखा है वो रखा हुआ है, और वहाँ पे ट्रक भी रखा हुआ है, लंबा लंबा ट्रक। बोर्डा आगे से लेफ्ट, हमें सीधा ही जाने पड़ेगा। वो एक्चुअली सामने से हवा आ रहा है ना, तो थोड़ा सा साइकिल चलाने में मुश्किल हो रहा है भाई, मुश्किल मतलब ज़ोर लग रहा है। ये रास्ता जाता है बोल्डा की ओर भाई, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। देखिए गांव का जो माहौल होता है ना, गाय रखा हुआ है सामने, और एक अलग ही मज़ा होता है भाई। उस तरफ देखिए हरा भरा पूरा खेती, वाओ। तो गाइस यहाँ पे देखिए कितने सारे सजीना लगा हुआ है भाई, कोई लोग खाता ही नहीं है क्या यहाँ पे? बाप रे बाप, पूरा भर्ती है। हमारे वहाँ पे होने से तो अब तक रहता नहीं है, खा देता पूरा। सामने लिखा हुआ है मोटा घना, जगह का नाम है। आगे से लेफ्ट जाने से मिलेगा, वही साइड है क्या गाँव, मोटा घना गाँव भाई साहब। देखिए पानी का कितना बड़ा टंकी बना हुआ है यहाँ पे, और हवा के वजह से आज हमने ज़्यादा सफ़र तय नहीं कर पाया, सामने से हवा आ रहा है ना। सामने देखिए ये आम का खेती किया हुआ है, और बीच बीच में बैंगन का खेती किया हुआ है, और वहाँ पे दूर में देखिए केले का बगान, केले का खेती करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कपास का खेती है, कॉटन का खेती, कल भी देखने को मिला था, आज भी देखने को मिला है। ये एरिया में भाई बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीनरी। यहाँ पे देखिए गन्ने का खेती भी देखने को मिला। सामने छोटा छोटा सा पहाड़ देखने को मिला, और इस तरफ तो हरियाली क्या है बोले दिखाते हुए आ रहा हूँ। और यह जगह का नाम है शंकर दसरवान, ऐसा कुछ था। और टालाजा पहुँच गया हो, सामने खूबसूरत सा पहाड़ देखने को मिला, देख सकते सामने से, बढ़िया से दिखाते हैं चलिए। तो गाइस अभी 9 बज चुका है, और हम पहुँच गए हैं तालाजा। पहाड़ जो दिखाया था आप लोगों को, पहाड़ के ऊपर जैन मंदिर है। मुझे थोड़ा और आगे जाने पड़ेगा, सामने एक ब्रिज मिलेगा, बाद में दिखाता हूँ। और अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं कुछ टाइम, गन्ने का रस पी लेता हूँ और कुछ टाइम आराम करता हूँ।
चलिए। और गाइस अभी मैंने चेक किया, 20 किलोमीटर मतलब कवर कर लिया दोनों भाई ने, और थोड़ा ज़्यादा होता लेकिन सामने से हवा आ रहा था ना उसकी वजह से ज़्यादा नहीं हुआ, तो ज़्यादा नहीं हुआ, कोई नहीं, ठीक है। 20 किलोमीटर भी एक घंटा में 10 किलोमीटर, कोई नहीं। तो गाइस अभी 9:30 बज चुका है, थोड़ा सा नींद लग गया था मुझे, अभी चलता हूँ दोबारा से। गर्मी जो है धीरे धीरे ना अभी बढ़ना शुरू हो गया है, ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, बाद में रुकेंगे, अभी सफ़र तय कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए आला जा के लिए राइट, भावनगर सीधा, सामने जो आपको ये फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है उसका नीचे से जाने से तालाजा मिल जाएगा, लेकिन अभी हम नहीं जाएंगे, तालाजा सीधा जा रहे हैं। और इस तरफ देखिए बाजरे का खेती, वैसे अभी भी ना सामने से हवा आ रहा है भाई, सुबह से साइकिल चला रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया, इतना जोर लग रहा है। और सामने वो देखिए तालाजा पहाड़, पहाड़ के ऊपर जैन मंदिर, अभी जूम करके दिखा रहा हूँ, अच्छा से देखिए जैन मंदिर है और तालाजा पहाड़ के ऊपर। यहाँ से भावनगर 53 किलोमीटर सीधा दिखा रहा है, पलीटना 36 तालाजा 2 किलोमीटर दिखा रहा है। 10 बजने वाला है सुबह का भी। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत सा रिवर नदी मिला है, काफ़ी मस्त दिख रहे भाई, सच्ची में बहुत प्यारा दिख रहा है। नदी का नाम तो पता नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत नदी है। अभी मैप पे चेक किया, नदी का नाम है शतरंजी, नदी का नाम क्या है शतरंजी। तो गाइस अभी नदी क्रॉस करके आगे आया था थोड़ा सा, और यहाँ पे हमें फल का दुकान मिला है, अंगूर है, केला है, एप्पल, सब कुछ है। और अभी हम लोगों ने तरबूज एक लेंगे, तरबूज खाएंगे मस्त से, और आगे से गोरखी राइट चला जाएगा गोरखी की ओर सीधा भावनगर। और सामने का देखिए ये खूबसूरत नज़ारा भाई, कितना प्यारा खूबसूरत दिख रहा है गांव का माहौल, पूरा बाजरे का खेती, वाओ। ठीक है अभी खा लेता हूँ, चलिए। तो बस अभी दुकान के अंदर आ चुका हूँ क्योंकि बाहर रास्ते में ना बहुत गर्मी है, और अभी तरबूज ले लिया हो, इस तरफ अंकल जी तरबूज काट रहे। अंकल जी कैसा है खबर, बढ़िया? अंकल जी खबर बढ़िया, मज़ा माँ, मज़ा। हाँ तो ये रहा तरबूज काट रहे, तरबूज हम खा जाते हैं, खाना भी चाहिए, पानी की कमी पूरी कर देता है। तो बस बढ़िया से तरबूज खा लिया हो, और फिर से निकल के आ चुका हो अपना सफ़र में। अभी 10:15 हो चुका है करीब, और 1.5 घंटा चल लेता हूँ, फिर उसके बाद कोई भी बढ़िया जगह देख के आराम करेंगे, वीडियो वगैरह एडिट करके अपलोड करेंगे। वेला वदर पिपरेला लेफ्ट भावनगर सीधा। और यहाँ पे देखिए ये नारियल का छिलका कितने सारा है। तो गाइस अभी 10:30 का समय हो चुका है, और गर्मी धीरे धीरे ना काफ़ी बढ़ रहा है, और हमें एक होटल मिला है महादेव होटल, तो वहाँ पर ही अभी इस तरफ छाया में साइकिल रख दियो दोनों भाई का। ये रहा होटल, अभी हल्का फुल्का सा कुछ खाएंगे और विश्राम करेंगे। भाई ये देखिए इतना बड़ा मटका है भाई, बाप रे बाप, मेरा हाइट जैसा है, देखिए इसमें पानी रखता है, और बहुत ही ठंडा रहता है इसमें पानी भाई, सच्ची। तो ठीक है अभी आराम करता हुए हमें बाहर देखिए कितना धूप भाई, कैसा मौसम होकर रखा है। और ये पशुओं का चारा है यहाँ पर खेती करके रखा है, ये देखिए कितना मस्त मस्त फूल भी लगा के रखा है, वाह काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, माय गॉड। तो बस वीडियो वगैरह एडिटिंग करके थोड़ा सा फ्री हो गया हो, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है ना, और एक्चुअली अभी हम ये जो टीना है ना, टीना भी भाई, क्या टीना बोलते हैं इसको पता है, इसका नीचे ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, और हाँ फ़ोन क्या गर्म हो गया, चार्जिंग से ऊपर ही नहीं जा रहा। ओह देख सकते हो ना इतना मतलब परेशान हो गया गर्मी के वजह से भाई, मेरा तो भाई बीच बीच में ना मोबाइल जो है पूरा हैंग मारने लगता है, इतना ख़राब लगता है, मतलब सोचता हूँ भाई क्या करें, अभी उपाय नहीं है, इतना बढ़िया से वीडियो जो बनाता हूँ फिर प्रॉब्लम हो जाता है, कोई नहीं, छाया जगह है ही नहीं, क्या करें, अभी इधर ही बैठने पड़ेगा होटल पर,
खाना देखता हूँ अभी, कुछ रेडी हुआ तो खाना भी खा लेते। तो गाइस यहाँ आ चुका है दोपहर का खाना। दोपहर का खाना में है ये बैंगन आलू मिक्स सब्जी, फिर यहाँ पे दाल है, ये थोड़ा अलग लगा दाल, ये भी दाल है, ये भी डाली है, दो दाल है, सेव टमाटर, सेव टमाटर, और इस तरह पूरा सलाद वगैरह देख सकते हो, मस्त है। पापड़ भी है, रोटी है, धन्यवाद भैया जी, थैंक यू। और सांस भी है, एक्चुअली मेरा मोबाइल में चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज लगा के रखा था। चलिए मिलते हैं बाद में। ना खाने का बाद यहाँ पर ही सागर भैया के लिए होटल है, यहाँ पर ही आराम किया था, और सच बोलो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं सागर भैया को बहुत बहुत मतलब दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पता नहीं इतना अच्छे अच्छे लोग हमें कैसे मिल जाते हैं भाई। अभी खाना वाना खाया, बहुत कुछ सामान वो किया, और भैया ने अभी हमसे बोला कि पैसा दे रहा हो तो पैसा हमसे नहीं ले रहा है, तो भैया को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मतलब इतना अच्छा इंसान अभी भी है, मतलब सोच से तो अगर भैया जी बोल रहे हैं आप इतना दूर से आए हो आसाम से, आप हमारे मेहमान हैं, तो बहुत कुछ मतलब मायने रखता है। भैया के जो थिंकिंग है, भैया के जो विचार है, बहुत दिल को छू गया, तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ठीक है, चलता हूँ। आज थोड़ा सा जल्दी निकल के आया हो, क्योंकि हमें भावनगर 46 किलोमीटर है, देखता हूँ भावनगर तक पहुँच पाता हूँ कि नहीं। 46 किलोमीटर, अलंग 10 किलोमीटर लेफ्ट, भावनगर 43, अहमदाबाद 258 किलोमीटर भाई, और 250 किलोमीटर चलना है हमें, तीन दिन में कवर करना है। तो जल्दी जल्दी भाई साइकिल को भगाता हो। और अभी का एरिया ऐसा कुछ है, पूरा खेती वाला एरिया ज़्यादातर मिल रहा है ये रास्ते में, हाईवे के दोनों तरफ। हमारा साइकिल वहाँ पे रखा हुआ है, और अभी ना थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगने लगा था, एक्चुअली पानी पीने आया था, तो ये एक लस्सी ले लिया, अभी बैठ के लस्सी खा रहा हूँ, और पानी भी ले लिया साथ में भाई। लस्सी खा के ना मज़ा आ गया, पूरा ठंडा था, बर्फ़ जैसा था, और पानी भी पी लिया, पेट पूरा फुल हो गया। सामने देखिए गाइस, छोटा छोटा पहाड़ देखने को मिला, और ये सामने का तो पूरा खेती का ही एरिया है, मिट्टी को जुताई करके रखा है, ब्लैक कलर का मिट्टी है पूरा ज़्यादातर। और अभी ये फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा हूँ, जगह का नाम तो नहीं देखा मैंने, इस तरफ बहुत ही खूबसूरत एक गांव है, देख सकते हो। अभी 5:42 हो चुका है, और रास्ते में यहाँ पे गन्ने का दुकान मिला, तो रस पी लेता हूँ, कुछ टाइम आराम भी करता हूँ। चलिए, तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये गिलास तो नहीं है, ये लुटिया लुटिया लोटा है ना, लोटा पे शायद गन्ने का रस देता है। चलिए पीता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा लोटा में पीने वाला हूँ गन्ने का रस। तो गाइस आ चुका है, देख सकते है, ये है गन्ने का रस, साथ में पाइप भी दिया है भैया। पूरा ठंडा, पूरा पता लग गया भाई पेट तक ठंडा। तो गाइस गन्ने का रस पी के दोबारा से निकल के आ चुका हूँ, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्री बना हुआ है, देख सकते इस तरह। पूरा धूल धूल होके रखा है, और सुबह से करीब 50 किलोमीटर साइकिल चला लिया हूँ, और एक घंटा जैसा चलाता हूँ 7 बजे तक, फिर आराम से जगह देख के रुक जाएंगे। मुझे फैक्ट्री को देख रहा हूँ, काफ़ी पुराना देख रहा है फैक्ट्री, क्या बनाते पता नहीं, लेकिन एक छोटू सा पहाड़ यहाँ पे, और यहाँ से अहमदाबाद 242, राजकोट 208, भावनगर 27 किलोमीटर है।
सामने दिखे पहाड़, और पहाड़ के ऊपर पवन चक्की है भाई, काफ़ी मस्त दिख रहा है। और वहाँ पे दिखे सामने ढेर बकरियाँ लेके जा रहे, ये रहा। भाई केले का बागान दिखे, बहुत सारा है केले का पेड़ है, केले का बागान। शाम का भी सारे से हो चुका है, टोल गेट मिलने वाला है 1 किलोमीटर बाद, आज का पहला टोल गेट होगा। और तरबूज सेल कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सामने ये रहा टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एक्चुअली आज जो सनसेट हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, नहीं तो पहले पीछे से होता था, रास्ता थोड़ा सा घूम गया इसको वजह से शायद। एरिया तो पता नहीं कौन सा है, यहाँ पे बहुत सारा ये प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री कंपनी वगैरह का ये देखने को मिल रहा है। क्या मस्त सनसेट हो रहा है, आगे भी देखिए कुछ फैक्ट्री है, और वहाँ पे भी ये रास्ते के उस पर भावनगर पहुँचने वाला है यहाँ से, और करीब 12-13 किलोमीटर होगा, फैक्ट्री है। X48 टाइम हो चुका है अभी, और यहाँ पे एक मंदिर है, एक ये द्वार है मंदिर का, देख सकते हैं। बुधेल पहुंचने वाला एक जगह का नाम है, और 2 किलोमीटर है यहाँ से, उसके बाद पहुँच जाऊँगा भावनगर। 6:50 हो चुका है, और देखिए प्यारा सा सनसेट, बुधेल पहुँच गया हूँ, आगे से राइट और भावनगर सीधा। यहाँ पे देखिए ड्रम वगैरह रखा हुआ है, शायद सेल करता है क्या, ब्लू कलर का। सनसेट हो चुका है, भावनगर यहाँ से 11 किलोमीटर है, ये रास्ता जाता है शायद भोवल की ओर। शाम का अभी 7 बज चुका है, भावनगर सीधा और घोगा के लिए आगे से राइट, और घोगा से शिप मिलता है, जहाज आपका सूरत जाने के लिए समुंदर से, भाई मस्त होता है वो सफ़र, खोगा से मिलता है। राजकोट 188, भावनगर 7 किलोमीटर, अहमदाबाद 222, ओ माय गॉड पहुँच गया भाई। अभी देखिए दुकान का लाइट वगैरह जल चुका है, धीरे धीरे जो है अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो हमें भी कहीं पे रहने के लिए जगह खोजने पड़ेगा। तो वैसे अभी रात का 7:15 हो चुका है, और अभी हम पहुंच गए भावनगर, और यहाँ पे तो रहने का उतना सुविधा नहीं मिला शायद, भावनगर एरिया को क्रॉस करने पड़ेगा हमें। चलिए चलता हूँ। ये जगह का नाम है अधेवारा, अधेवारा जगह का नाम अधेवारा। हाँ ठीक है, लेता पानी ले लेता हूँ एक बोतल, फिर चलते रहेंगे पानी पी के। एक्चुअली मेन जो भावनगर सिटी है वहाँ तो हम लोग एंटर नहीं होगा, साइड से निकल के चले जाएंगे। पीछे से भी रास्ता था लेकिन मैप में ये रास्ता दिखाया तो हमने ये रास्ता ले लिया। 7:23 हो चुका है, अभी पीछे रुका था, पीछे रुक के पानी उनी पी लिया, और अभी ये जो एरिया है इसे क्रॉस करता हूँ,
अभी हमें आगे से सर्कल मिलेगा, वहाँ से लेफ्ट जाने पड़ेगा, सीधा आपका भावनगर तरफ चले जाएगा रास्ता। तो बस अभी पीछे एक सर्कल मिला था, सर्कल में हमें पुलिस वाले मिले थे, फिर उन्होंने एक रास्ता बताया, ये बोला शॉर्टकट रास्ता है, आप लोग अगर सिटी से जाना चाहते हो वहाँ पे बहुत मतलब ट्रैफिक मिलेगा, तो ये अलग रास्ता है, यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं अभी मेन हाईवे तक। तो भावनगर वाला रास्ता वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसको वजह से अभी ये दूसरा रास्ता लिया हम लोगों ने। भाई बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मस्त है। और आज तो बहुत रात हो जाएगा, अभी सिटी क्रॉस करने में हमें 8 बज जाएगा, फिर रहने के लिए जगह भी ढूंढना है। चलिए देखता हूँ क्या होता है, चलता हूँ। यहाँ पे और एक सर्कल मिला है, सामने एक बिल्डिंग भी है देख सकते हैं। अभी सीधा नहीं जाना है हमें, यहाँ से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट साइड ये रास्ता दोबारा से। आठ बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, और अभी अंदर से तो निकल के आ चुका हूँ, ये एक हाईवे मिल चुका है हमें, इससे भी और आगे जाना है हमें, रास्ता का नाम भी पता नहीं, रात हो गया ना। चलिए अभी पहुँचते जहाँ पे स्टे करेंगे, वहाँ से जाना है, कौन सा जगह है नाम भी पता नहीं है। तो भाई अभी भी हम लोग ना सही रास्ते में पहुंचा नहीं, हाईवे में भाई कहां कहां लेके जा रहा है मैप भी, हमें देख सकते हो कैसा रास्ता है। ओ भाई रुक जाओ रुक जाओ भाई साहब, क्या रास्ता है, एक ब्रिज है भाई, नदी है नीचे, लेकिन अभी दिखाई नहीं देगा, पूरा अंधेरा है भाई, रास्ता भी अंधेरा है। भाई इतना ऊंचा जगह था ना, साइकिल उठ गया। अभी हाईवे वो रहा शायद, हाईवे पहुँचता उसे लिए हाईवे तक, ये तो रास्ता बंद है भाई यहाँ। तो गाइस अभी रात का 8:10 हो चुका है, और अभी जाके मेन हाईवे में पहुंच गया हूँ, ये हाईवे है 751। अभी रहने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ चलिए आप लोगों से। यहाँ से अहमदाबाद 168, वागोदरा 109, धोलेरा 60 किलोमीटर है। अभी भाई थोड़ा सा अच्छा लगा ये हाईवे को देख के, और इतना सारा लाइट, स्ट्रीट लाइट कहाँ कहाँ से आया ना भाई, पूरा अंधेरा, इतना कहाँ कहाँ रास्ता लेके गया था मैप, और उस तरफ देखिए बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मस्त दिख रहा है, और रास्ता भी है ब्रिज का नीचे से, वो रास्ता चला जाएगा भावनगर सिटी की ओर। तो गाइस अभी रात का 8:30 बज चुका है, और फाइनली हमें रहने के लिए और खाने के लिए ढाबा मिल चुका है, मेरे पीछे ये देखिए ढाबा है, और सिटी में घुस गया था ना सिटी के अंदर, मतलब वहाँ पे करीब रास्ता वो हो गया था गंडगोल, करीब 5 किलोमीटर वहाँ ऐसे चला गया, हमें दूसरा रास्ता लेके आना चाहिए था। और आज का सफ़र हमने 81 किलोमीटर कवर किया सुबह से लेके अभी तक, और एक जगह है नारी, नारी को भी क्रॉस करके आगे आ चुका हूँ, सुबह आप लोगों को दिखाएंगे बढ़िया से सराउंडिंग एरिया, और ऐसा कुछ है ये ढाबा कठियाबारी, सुबह दिखाएंगे। चलिए बहुत ज़्यादा थक गया भाई, अभी खाना वाना खाएंगे फ्रेश हो गए। तो ठीक है आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, जय आया हूँ, बाय बाय।